और आपने 1,25,000 से अधिक नी सर्जरी और अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कर जो इतिहास रचा है, वो मरीजों के फीडबैक भी आपको मिलते होंगे, तो जो आप उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाए हैं और जो उनके चेहरों पर आप मुस्कान देखते हैं, चूंकि मेरा विषय एक नए विषय पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि उनको आनंद या खुशहाली या आत्मसंतोष मिलता है, तो आपको कैसा लगता है? मुझे एक्चुअली बहुत बढ़िया लगता है। एक्चुअली मेरी ज़िंदगी ही उसके इर्द गिर्द हो गई है कि भाई जब तक पेशेंट के मुंह पे हंसी नहीं आती है तब तक मैं मतलब पेशेंट तो घुटना तो ठीक होने वाला है, हिप ठीक होने वाला है, सर्जरी हो गया है, लेकिन अगर एक दो दिन में पेशेंट हंसता हुआ नहीं दिखाई देता है तो मुझे चिंता होती है। मैं रिश्तेदारों को पूछता हूँ ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ये ठीक से सोते हैं नहीं सोते हैं, और मालूम पड़ता है कि भाई एक आध चीज़ बराबर नहीं हो रही है, तो आई टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। भाई वो सीनियर सर्जन के होदे से मेरा काम नहीं है, फिर भी मैं वहाँ तक जाता हूँ कि खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, क्योंकि मुझे वो हंसी देखनी है जो जाने से पहले कि भाई सब ठीक है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने, और यही वो सुख दुख की चिंता और उनके चेहरे की मुस्कान के प्रति आपकी जो सचेतता है वो न केवल आपकी संवेदना को बताती है बल्कि एक योग के चिकित्सक का प्रमाण भी देती है कि जब तक उसका मरीज खुश नहीं हो सकता तो डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान कैसे आ सकती है। और इसी संदर्भ में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने शेल्बी ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का कार्य किया है और इसकी 11 से ज़्यादा शाखाएं और पूरे विश्व भर में लगातार आप सक्रिय हैं, और विश्व में रहकर आपने अमेरिका में नौकरी की शुरुआत की थी, और आज आपके इस संकल्प के इतने अच्छे स्वरूप से विश्व के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो आपके जो सामाजिक सरोकारों के कार्य हैं और किए जा रहे हैं वे उन्हें स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित बनाने में मरीजों को कितने सहायक हैं, और इसमें उनकी जीवन शैली और उनकी जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली जब भी हिप जॉइंट का प्रॉब्लम होता है या घुटने का प्रॉब्लम होता है या शोल्डर जॉइंट का प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले तो क्या शुरुआत में पेन होता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेके चलाते हैं, थोड़ा फिजियोथेरेपी करके चलाते हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद डिसेबिलिटी आती है, चलने की मुश्किल होती है, खड़े रहने की मुश्किल होती है, चलने का स्पीड कम हो जाता है, सीढ़ी चढ़ने में पकड़ना पड़ता है, उठने बैठने में सपोर्ट लेना पड़ता है, फिर पेशेंट या व्यक्ति विड्रॉ होना चालू करते हैं, घर में हर चीज़ में से विड्रॉ हो जाते हैं, बाहर जाना है तो बोलेंगे आप चले जाओ मैं नहीं आती हूँ, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ, आप वो आओ, अकेलापन फिर होम बाउंड हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे रूम बाउंड हो जाते हैं, फिर बैठे हैं तो बोलेंगे पानी दे दो बेटा, फिर मूवमेंट कम हो जाती है, मूवमेंट कम हो जाती है तो खाना खा नहीं सकते, खाना हजम नहीं कर सकते, एसिडिटी हो जाती है, खाना खा नहीं सकते तो बॉडी वीकनेस आती है, कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है फूड का, फिर डिप्रेशन चालू हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है घुटने का या हिप का, ये प्रॉब्लम कोई व्यक्ति का नहीं है, पूरे फैमिली का है, क्योंकि पूरा फैमिली अटक जाता है। तो होता ये है कि ये सर्जरी करने के बाद न बल्कि जो पेशेंट है वो ठीक होता है, पूरा फैमिली ठीक होता है। आपने जो बताया कि भाई क्या कैसा क्या होता है तो पूरा फैमिली घूमने जाता है, चार धाम जाता है, काली ताना जी जाता है, दे आर सो हैप्पी कि अभी पेरेंट्स आर मोबाइल, पेरेंट्स आर एबल टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल सकते हैं। अच्छा, डिप्रेशन या साइकियाट्रिक मेडिसिन जो चल रही है वो एक दो चार महीने में बंद हो जाती है, मतलब पूरा खुशहाल हो जाता है, मतलब वी आर एबल टू रिमूव फैमिली डिसीज, नॉट इंडिविजुअल प्रॉब्लम। यह आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं तो समाजशास्त्र का शिक्षक और विद्यार्थी दोनों हूँ,
और समाज में व्यक्ति समाज की केंद्रीय इकाई है, तो पहले वो खुद खुश होता है, फिर उसका परिवार खुश होता है, फिर अड़ोस पड़ोस समाज, और फिर पूरा देश और वैश्य। यदि व्यक्ति अपने आप को अशक्त महसूस करता है तो परिवार, समाज और पूरा देश एक व्यक्ति के अशक्त होने से बनता है। और यदि आप एक यूनिट को, एक व्यक्ति को खुशहाल बनाते हैं और उसको वापस पैरों पर खड़े, तो आप देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और मजबूत दिशा में ले जाने की ओर अग्रसर है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज की केंद्रीय इकाई है। बिल्कुल, वो चाहे कहीं भी रह रहा हो, किसी भी कोने पर रह रहा हो। विश्व विहीन, मनुष्य विहीन समाज नहीं है, तो आप न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज, देश और विश्व को सशक्त बनाने में योगदान दे रहे हैं।